प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के अंतर्गत प्रश्नावली 5.6 के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि प्राचल समीकरणों पर आधारित हैं। देख रहे हैं, दिया है प्रश्न 1 से 10 तक में करा dy बाई dx ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 में x इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इक्वल टू at की पावर 4 दिया है। तो x और y दोनों फलनों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt इक्वल टू, देख रहे हैं, 2a अचर है और t स्क्वायर का अवकल गुणांक मिलेगा 2t। इस प्रकार से 2 और 2 का गुणनफल 4at। अब इसके बाद y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देख रहे हैं, y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मान मिल जाएगा dy अपान dt इक्वल टू, देख रहे हैं, a अचर है, t की घात 4 का अवकल गुणांक 4t की घात 3। इस प्रकार से dy बाई dx बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं, dy बाई dx को लिख सकते हैं dy अपान dt अपान dx अपान dt, दोनों के मान रख देंगे। dy अपान dt देख रहे हैं 4at³ अपान dx अपान dt 4at, तो देख रहे हैं 4a कैंसिल हो जाएगा और t की एक घात कैंसिल कर देंगे तो t की 2 घात मिल जाएगी। इस प्रकार से dy बाई dx का मान t स्क्वायर के बराबर होगा, dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये हमारा इस दिए हुए पहले प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं, दूसरे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, इसका हमको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों फलन थीटा के पदों में हैं, इसलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देख रहे हैं, dx अपान डी थीटा इक्वल टू ए अचर है, कॉस थीटा का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान डी थीटा इक्वल टू, देख रहे हैं, b अचर है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से dy बाई dx बराबर मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देख रहे हैं, dy अपान डी थीटा अपान dx अपान डी थीटा, देख रहे हैं, मान रख देंगे dy अपान डी थीटा है माइनस b साइन थीटा। माइनस बी साइन थीटा अपान माइनस ए कॉस साइन थीटा, देख रहे हैं, माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा भी ऊपर नीचे से, तो इक्वल टू बी अपान ए। तो इस प्रकार से dy बाई dx इक्वल टू मिल जाता है बी अपान ए। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 3, x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कास टू टी, इससे हमको dy बाई dx निकालना है। तो देख रहे हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt इक्वल टू साइन टी का अवकल गुणांक जानते हैं कॉस टी। इसी प्रकार y का भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, cos 2t का मिल जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2t का करेंगे तो 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से dy बाई dx बराबर मिल जाएगा dy अपान dt अपान dx अपान dt। पहले हम dy अपान dt का मान रख देंगे तो माइनस 2 sin 2t अपान cos t। यदि हम साइन 2t का मान रख दें तो माइनस 2 इंटू sin 2t बराबर जानते हैं 2 sin t cos t, 2 sin t cos t अपान cos t। देख रहे हैं, cos t ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा
तो यही बराबर मिल जाएगा माइनस देख रहे 2 दुनाई 4 साइन टी। इस प्रकार से dy by dx इक्वल टू -4 साइन टी, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथा प्रश्न, देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 4 में x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखें टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt इक्वल टू 4 अचर है टी का 1 के बराबर मिल जाएगा। इसी प्रकार dy/dt इक्वल टू 4 × 1/t का अर्थ है टी की घात -1, तो x की घात n का सूत्र लगाएंगे, घात पहले मिलेगी फिर घात से 1 घटाएंगे तो -1 - 1 मिलकर -2। तो इस प्रकार से -4 × t^-2 का अर्थ है 1/t². इस प्रकार से dy/dx dy/dt/dx/dt मान रख देंगे, dy/dt देख रहे हैं -4/t² / dx/dt 4 है, 4 कैंसिल कर देंगे तो -1/t². तो इस प्रकार से dy/dx का मान -1/t² मिल जाएगा। dy/dx इक्वल टू -1/t², यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, पांचवे प्रश्न में दिया है x इक्वल टू cos θ -cos 2θ और y इक्वल टू दिया है sin θ -sin 2θ। तो देख रहे हैं दोनों फलन थीटा के रूप में दिए हैं, तो हमको थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं dx/dθ इक्वल टू cos θ का जानते हैं -sin θ -cos 2θ का -sin 2θ 2θ का करेंगे 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं -± +, इस प्रकार से -sin θ + 2 sin 2θ और इसी प्रकार से देख रहे हैं यहाँ से sin 2θ को यदि तोड़ें, सबसे पहले हम y का भी थीटा के सापेक्ष कर लेते हैं, तो y का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy/dθ इक्वल टू sin θ का जानते हैं cos θ -sin 2θ का cos 2θ 2θ का करेंगे 2 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं हमको dy/dx का मान निकालना है, तो इस प्रकार से dy/dx बराबर मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू जानते हैं dy/dθ/dx/dθ। पहले हम dy/dθ देख रहे हैं मिला है cos θ -2 cos 2θ देख रहे हैं dx/dθ में है 2 sin 2θ -sin θ। अब देख रहे हैं यदि इसको हम सरल करना चाहें, देख रहे हैं सरल करने पर अब इससे अधिक सरल नहीं होगा, तो यही हमारा dy/dx का मान हो जाएगा। तो देख रहे हैं dy/dx इक्वल टू cos θ -2 cos 2θ 2 sin 2θ -sin θ, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में देखने दिया है प्रश्न नंबर 6 x इक्वल टू a इंटू थीटा -sin θ और y इक्वल टू दिया है a 1 + cos θ। हमको dy/dx ज्ञात करना है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं थीटा के सापेक्ष सबसे पहले x का करेंगे
डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए देख रहे हैं अचर है, थीटा का वन मिल जाएगा माइनस साइन थीटा का जानते हैं कॉस थीटा। अब हम वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू देख रहे हैं ए अचर है, वन अकेला अचर है इसका जीरो हो जाएगा और कॉस थीटा का जानते हैं माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स बराबर मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू देख रहे हैं डी वाई अपान डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा है ए वन माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं ए अंश हर दोनों से कैंसिल हो जाएगा। अब यदि इसको हम सरल करें तो साइन थीटा का मान जानते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू और देख रहे हैं पहले माइनस भी है अपान वन माइनस कॉस थीटा का ऐसा मान रखना है जिससे वन कैंसिल हो जाए तो साइन के पद में रखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर ब्रैकेट हटाएंगे वन वन कैंसिल हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपान देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यदि अंश और हर से देखें देख रहे हैं दो कैंसिल हो रहा है साइन थीटा बाई टू की एक घात कैंसिल हो जाएगी तो इस प्रकार से यही मिल जाता है माइनस कॉस थीटा बाई टू अपान साइन थीटा बाई टू इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू। इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई टू यही इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सातवां प्रश्न। देख रहे हैं सातवें प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर सात है प्रश्न नंबर सात सातवां देखिए यक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस टू टी और वाई इक्वल टू दिया है कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस टू टी। देख रहे हैं ये फलन दिया है हमको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो दिए गए फलनों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू देख रहे हैं अंश बटे हर के रूप में है। हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे फार्मूला है हर कॉस टू टी इंटू अंश का अवकल गुणांक देख रहे हैं हर इंटू अंश का अवकल गुणांक अंश में साइन क्यूब टी है पहले घात का फार्मूला होगा घात पहले लाएंगे फिर एक घात से घटाएंगे तो थ्री साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का करेंगे तो साइन टी का जानते हैं कॉस टी होता है तो हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस देख रहे हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश देख रहे अंश में दिया है साइन क्यूब टी इंटू हर का अवकल गुणांक देख रहे हर का अवकल गुणांक करेंगे तो हर में आपका अंडर रूट कॉस टू टी यानी कॉस टू टी की घात एक बटे दो घात पहले लाएंगे फिर घात से घटाएंगे एक बटे दो कॉस टू टी देख रहे हैं एक बटे दो कॉस टू टी की घात एक बटे दो से एक घटाएंगे माइनस एक बटे दो इंटू कॉस टू टी का करेंगे माइनस साइन टू टी इंटू देख रहे हैं टू टी का टू मिल जाएगा अपान हर का होल स्क्वायर अपान देख रहे हैं हर का होल स्क्वायर और यदि हर का होल स्क्वायर करें तो देख रहे हैं अंडर रूट लगा है अंडर रूट हट जाएगा कॉस टू टी। सरल करने पर सरल करेंगे
तो देख रहे हैं अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 पहले लिख लेते हैं, इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी, फिर देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और दो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी इंटू देख रहे हैं साइन 2t अपान माइनस 1/2 घात नीचे लाएंगे, घात प्लस में 1/2 अर्थात अंडर रूट कॉस 2t मिल जाएगा। अपान देख रहे हैं कॉस 2t। अब यदि हम इसके अपान 1 मानते हुए दोनों का लाशा ले लें तो अंडर रूट कॉस 2t लाशा मिल जाएगा। इस प्रकार से यह मान हो जाएगा, देख रहे हैं इस मान को यदि लिखें तो लाशा में कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, देख रहे हैं अंडर रूट कॉस 2t का अंडर रूट कॉस 2t से गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा 3 कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। देख रहे हैं इसको यदि हम सरल करते हैं तो सरल करने पर साइन स्क्वायर टी कॉस टी और यहाँ भी देख रहे हैं साइन 2t को यदि हम तोड़ दें तो साइन 2t को तोड़ेंगे तो 2 साइन टी कॉस टी में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी एक्स अपान डी टी का मान मिल जाता है। और अब यदि हम वाई का टी के सापेक्ष अवकलन कर लें, देख रहे हैं वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपान डी टी इक्वल टू देख रहे हैं हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, कॉस क्यूब टी में घात पहले मिलेगी 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का करेंगे माइनस साइन टी माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक, देख रहे हैं हर में अंडर रूट कॉस 2t का 1/2 कॉस 2t की घात 1/2 से एक घटाएंगे माइनस 1/2। आप कॉस 2t का करेंगे तो कॉस 2t का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन 2t, कॉस 2t का मिल जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2t का करेंगे 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपान हर का होल स्क्वायर और हर का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा कॉस 2t। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं माइनस अंडर रूट कॉस 2t इंटू देख रहे हैं 3 है बाहर कर लेते हैं कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दो भी देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है दो कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपान अंडर रूट कॉस 2t अपान कॉस 2t, देख रहे हैं यदि लाशा ले लें तो अंडर रूट कॉस 2t लाशा मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का, सबसे पहले हम लाशा लिख देते हैं कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t में अंडर रूट कॉस 2t से गुणा होगा अंडर रूट हट जाएगा। तो देख रहे हैं कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t। आप डीवाई बाई डी एक्स बराबर जानते हैं, देख रहे डीवाई बाई डी एक्स का मान लिखेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीवाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी में देख रहे दोनों का हर समान है। तो इस प्रकार से हर को
कैंसिल कर देंगे तो देख रहे दोनों के हर में cos 2t अंडर रूट cos 2t दिया है तो अपान में लिखेंगे दोनों का हर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा dy by dx इक्वल टू देख रहे dy अपान dt में अंश है माइनस 3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t इंटू sin 2t का मान जानते हैं 2 sin t cos t अपान dx अपान dt में देख रहे मान दिया है 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 sin t cos t। अब देख रहे हैं अंश और हर से कामन लेने पर अंश में देख रहे हैं काश की 2 घात और इसमें काश की 3 घात है, बल्कि देख रहे हैं यहाँ भी 1 घात और मिलती है काश की 4 घात, तो काश की 2 घात कामन मिल जाएगी काश स्क्वायर टी, और साइन टी की भी देख रहे हैं 1 घात कामन मिल रही है, तो काश स्क्वायर टी कामन करने पर शेष बचता है -3 cos 2t इंटू देख रहे हैं काश स्क्वायर टी साइन टी कामन मिल गया -3 cos 2t प्लस इस पद में देख रहे हैं काश क्यूब यानी 4 घात थी, 2 घात निकल गई, 2 घात बचती है काश स्क्वायर टी इंटू 2। और हर में यदि देखें हर में आप देख रहे हैं हर में कामन मिल जाएगा साइन स्क्वायर टी और इसमें साइन की घात 4 है, साइन की 2 घात कामन मिल जाएगी साइन स्क्वायर टी इंटू फिर देख रहे हैं काश की 1 घात कामन मिल रही है, काश की 1 घात कामन कर लेंगे आप देखें तो शेष बचता है 3 cos 2t प्लस देख रहे हैं साइन की 2 घात कामन मिली है 4 घात हैं, 2 घात बचेंगी साइन स्क्वायर टी और 2 भी लगा है 2 लिख देते हैं कॉस टी 1 घात कामन मिल गई है, तो कॉस टी की 1 घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी और साइन टी की भी देख रहे हैं 1 घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाती है, तो इस प्रकार से जो शेष बचा शेष देख रहे हैं कॉस टी अपान साइन टी कॉट टी बन जाएगा इंटू फिर देख रहे हैं अंश में यदि हम कॉस 2t का मान रख दें काश 2t का मान लिखेंगे तो -3 इंटू देख रहे काश के पद में है तो काश के पद में रखें 2 cos square t -1 प्लस 2 cos square t अपान हर में देख रहे हैं साइन के पद में है तो साइन के पद में यदि मान रख दें 1 - 2 sin square t प्लस 2 sin square t सरल करने पर देख रहे हैं सरल करेंगे कॉट टी अंश में देख रहे हैं -3 से यदि गुणा कर दें तो -6 cos square t और -- प्लस हो जाता है 3 प्लस 2 cos square t अपान और 3 का अंदर गुणा कर दें तो 3 - 6 sin square t प्लस 2 sin square t और सरल करेंगे देख रहे हैं सरल करने पर काट टी को भी हम कॉस टी अपान साइन टी ही लिखें क्योंकि फार्मूला बन जाएगा, देखिए सरल करने पर 3 - 4 cos square t अपान देख रहे हैं 3 - 4 sin square t कॉस टी और साइन टी का ब्रैकेट के अंदर गुणा करने पर देख रहे हैं 3 cos t - 4 cos cube t अपान 3 sin t - 4 sin cube t देख रहे हैं अंश से यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करने पर cos 3t का सूत्र बन जाएगा और हर में देख रहे हैं sin 3t का सूत्र लिखा है, इस प्रकार से माइनस cos अपान sin cot 3t माइनस cot 3t। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट dy by dx का मान होगा, देख रहे हैं -cos 3t / sin 3t इक्वल टू -cot 3t। प्रश्न नंबर 8 में दिया है x इक्वल टू a cos t प्लस log sin 10t by 2 और y इक्वल टू a sin t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख रहे टी के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए आचर है कास टी का जानते हैं माइनस टेन, कास टी का माइनस साइन टी, प्लस लाग का लगाएंगे वन अपान में मिलेगा वन अपान टेन टी बाई टू इंटू टेन टी बाई टू का करेंगे शेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू का वन बाई टू मिल जाएगा। सरल करते हैं तो देख रहे हैं ए इंटू माइनस साइन टी प्लस टेन टी बाई टू को यदि हम साइन कास में तोड़ें तो देख रहे हैं टेन ऊपर जाएगा काट में और ये हमारा बन जाएगा कास टी बाई टू अपान साइन टी बाई टू इंटू शेक स्क्वायर लिखेंगे वन अपान कास स्क्वायर टी बाई टू इंटू वन बाई टू। सरल करेंगे देख रहे हैं कास की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी तो इस प्रकार से मिल जाएगा ए इंटू माइनस साइन टी प्लस देख रहे हैं वन अपान टू साइन टी बाई टू कास टी बाई टू वन अपान साइन टी का मान बन जाता है। इसको यदि और सरल कर लें ए लाशा लेंगे साइन टी तो देख रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन और वन माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कास स्क्वायर टी होता है तो ए कास स्क्वायर टी अपान साइन टी। इसके बाद वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी इक्वल टू ए अचर पद है साइन टी का जानते हैं कॉस टी। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी वाई अपान डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी दोनों के मान रख देंगे तो देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी का मान मिला है ए कॉस टी अपान डी एक्स अपान डी टी है ए कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी अंश में मिल जाएगा। देख रहे हैं कॉस टी की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी ए भी कैंसिल हो जाएगा तो मिलता है साइन टी अपान कॉस टी और साइन टी अपान कॉस टी जानते हैं टेन टी होता है तो इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू टेन टी होगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नौवां प्रश्न। देख रहे हैं प्रश्न नंबर नौ में दिया है, प्रश्न नंबर नौ है यक्स इक्वल टू ए शेक थीटा, यक्स इक्वल टू ए शेक थीटा और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों थीटा के फलन हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी एक्स अपान डी थीटा ए अचर है शेक थीटा का अवकल गुणांक जानते हैं शेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसी प्रकार वाई का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपान डी थीटा बी अचर है और टेन थीटा का जानते हैं शेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा मान रख देंगे। देख रहे हैं डी वाई अपान डी थीटा है बी शेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा है ए शेक थीटा इंटू टेन थीटा। सरल कर लेंगे देख रहे हैं शेक थीटा की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी इस प्रकार से बी अपान ए इंटू शेक को साइन काश में बदलें वन अपान कॉस थीटा और देख रहे हैं हर में टेन थीटा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा कास थीटा देख रहे हैं दोनों के हर से कैंसिल हो जाएगा तो इस प्रकार से बी अपान ए इंटू वन अपान साइन थीटा और वन अपान साइन थीटा इक्वल टू कोशिक थीटा होता है तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं दसवां प्रश्न दिया है, दसवें प्रश्न में प्रश्न नंबर दस में एक्स इक्वल टू ए कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और देख रहे हैं वाई इक्वल टू दिया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देख रहे हैं दोनों थीटा के फलन हैं
तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, देख रहे हैं ये अचर है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस देख रहे हैं दो फलन है, दो फलन का सूत्र लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, साइन थीटा का जानते हैं कॉस थीटा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक थीटा का वन मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं सरल करने पर साइन थीटा प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। अब वाई का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू, देख रहे हैं ए अचर है, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, फिर देख रहे हैं दो फलन हैं, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक थीटा का वन मिल जाएगा। सरल करेंगे, सरल करने पर देख रहे हैं कॉस थीटा, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाता है ए थीटा साइन थीटा। इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा डी वाई अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। देख रहे हैं दोनों के मान रखने पर, दोनों के मान रख लेंगे, डी वाई अपान डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा, अपान डी एक्स अपान थीटा है ए थीटा कॉस थीटा। देख रहे हैं ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टेन थीटा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। देख रहे 11वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 11 है, देख रहे 11वें में यक्ष बराबर दिया है, यक्ष बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और वाई बराबर दिया है अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। हमको सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान यक्स। तो ये इसमें हमको सिद्ध करके लाना है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान यक्स। तो देख रहे हैं यक्स और वाई दोनों टी के रूप में फलन हैं, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू मिल जाएगा, अंडर रूट में जानते हैं घात पहले आएगी, फिर घात से घटाएंगे, ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर माइनस एक बटे दो, एक बटे दो से एक घटाएंगे माइनस एक बटे दो। अब ए की घात साइन इनवर्स टी का करेंगे, ए की घात यक्स का जानते हैं, ए की घात यक्स, ए की घात साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए। अब हम साइन इनवर्स टी का और करेंगे, हम जानते हैं साइन इनवर्स टी का अवकल गुणांक वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस प्रकार से यदि इसको हम सरल करें तो वन अपान टू, देख रहे हैं घात माइनस एक बटे दो है, नीचे लाएंगे तो घात प्लस एक बटे दो, तो एक ही घात साइन इनवर्स टी अपान अंडर रूट एक ही घात साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए इंटू वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी इक्वल टू, देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी में अंडर रूट एक ही घात कॉस इनवर्स टी दिया है, पहले घात आएगी फिर घात से एक घटाएंगे, तो एक ही घात कॉस इनवर्स टी की घात माइनस एक बटे दो। अब एक ही घात कॉस इनवर्स टी का सूत्र लगाएंगे, देखें एक ही घात कॉस इनवर्स टी का होगा एक ही घात कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए। अब कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाता है माइनस एक बटे दो इंटू एक ही पावर कॉस इनवर्स टी अपान अंडर रूट
ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए इंटू वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, पहले हम डी वाई अपान डी टी का मान लिखेंगे, देख रहे हैं डी वाई अपान डी टी मिला माइनस एक बटे दो इंटू, देख रहे हैं अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी से ए कॉस इनवर्स टी काटेंगे तो अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी मिल जाएगा इंटू लॉग ई ए अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान डी एक्स अपान डी टी का मान देख रहे हैं एक बटे दो इंटू, इससे कैंसिल कर देंगे तो अंडर रूट अंश में मिल जाएगा अंडर रूट ए की घात साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं एक बटे दो ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, लॉग ए कैंसिल हो जाएगा अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, शेष बचता है माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, देख रहे हैं अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इक्वल टू वाई है और अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स है, इन दोनों का मान लिख लेंगे ए की घात पावर कॉस इनवर्स टी, देख रहे हैं ये हमारा वाई का मान है और अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी ये एक्स का मान है। इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स, यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।